हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माय सेल्फ बिंदु प्राशर। सो गाइस, आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आपके पास है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज जो है फिर से हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने उसमें लिया है प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। ओके, प्रो मींस प्रो, प्रो मींस बिफोर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है इस धरती पर। जो सबसे पहले सेल जो ओरिजिनेट हुआ है वो हुआ है 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोटिक वर्ड है, तो कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, सो कैरियोन वर्ड मतलब कि न्यूक्लियस, प्रो मतलब बिफोर, यानी ये ऐसा सेल है जिसमें अभी तक न्यूक्लियस जो था वो फ्यूली डिवेलप नहीं था, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। इसका जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसे हम न्यूक्लॉइड कहते हैं, वो इसके अंदर जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एज इट इज ही फैला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, कैसा सेल है, मोस्ट प्रिमिटिव सेल है। मोस्ट प्रिमिटिव सेल है हमारे पास और ओरिजिनेट हुआ था ये 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। और प्रो इसका मतलब है बिफोर और कैरियन का मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस बनने से पहले जो सेल हमारे पास था उसी को हम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, अब जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है ना बच्चे, उसके अंदर मेनली जो है जो हमारे पास किंगडम आती है ना, ठीक है, हम फाइव किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो जो किंगडम मोनेरा है हमारे अंदर, ठीक है, जो हमारे पास फाइव किंगडम के अंदर किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो कैसे हैं, वो प्रोकैरियोटिक हैं। वो कैसे हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मतलब सभी के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, इसके अंदर मेनली हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये सेल जो है वो यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके अंदर बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्म है, तो उनके बारे में बारी बारी से हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोस्टली 3 लेयर्स है हमारे पास, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में जो है आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चे, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मोनेरा जो है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे जो है वो हमारे प्रोकैरियोट्स है। तो सबसे पहला मोनेरा जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। सारे के सारे कैसे हैं बच्चे, ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए बैक्टीरिया के, ठीक है, निमोनोकोकस हो गया, विब्रियो, ईकोलाई, क्लोस्ट्रिडियम और हमारे पास येरसीनिया, ये हमारे जो है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया है एग्जाम्पल है हमारे पास,
नेक्स्ट आता है बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज बीजीए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है इनका, साइनो बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास नोस्टॉक और सिटोलेरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्म भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसके बाहर कोई भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्म के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास माइकोप्लाज्म, गैलिस्पेक्टियम। नेक्स्ट है हमारे पास रिकिटेशिया, रिकिटेसी इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरोचेटे, दैट इज ट्रेपोनीमा, पेलेडियम, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। और क्लेमाइडियस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के, यानी ये वो प्रोकैरियोट्स है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल जो है पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसका साइज और इसकी शेप किस तरह की होती है उसके बारे में डिस्कस। तो नेक्स्ट बच्चे बात हम करते हैं साइज की, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका साइज कितना होता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पूरी प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो हमारे पास 1 माइक्रोमीटर से लेके जो है वो 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ओके। लेकिन जो हमारे पास माइकोप्लाज्म थी, बैक्टीरिया थी, था हमारे पास, लेकिन इसके बाहर जो थी वो सेल मेम्ब्रेन या कोई भी इनवेल्प जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा सेल जो है, यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो वो हमारे पास माइकोप्लाज्म ही आता है। 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक जो है इसका साइज रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए यूजली हम क्या बोल रहे थे कि 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक जो है इनका साइज रहता है, लेकिन हमारे पास जो है जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, लार्जेस्ट जो हमारे पास ये सेल नहीं आएगा, ये लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल आएगा। अगर हम लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल की बात करें तो वो हमारे पास स्पाइरोचेटे है, जो कि हमारे पास 500 माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइलिस्टर। डाइलिस्टर जो है ये हमारे पास, देखिए ये भी हमारे पास बैक्टीरिया है, ये भी हमारे पास बैक्टीरिया है, लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी सेल मेंबर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो हम इसको एज ए ट्रू बैक्टीरिया नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये डाइलिस्टर जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सबसे छोटा जो है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, डाइलेस्टर होगा, जो कि 0.15 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है, ओके। तो ये था हमारे पास बैक्टीरिया का साइज, ओके। अब हम जो है इसकी शेप की बात करेंगे, ठीक है। तो शेप जो होती है हमारे पास बैक्टीरियल सेल की, वो या तो हमारे पास इस तरह से स्पेयर होंगे, ठीक है। अगर स्पेयर होते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। अगर ये हमारे पास इस तरह से रोड लाइक होंगे तो हम उन्हें बेसिलस कहेंगे, और अगर हमारे पास इस तरह से कोमा शेप्ड होते हैं तो हम उन्हें जो है वो विब्रियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास जो है वो इस तरह से स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल शेप अगर इनकी होती है तो ये हमारे पास स्पाइरुलम होता है, ठीक है। तो इनकी जो है वो नेक्स्ट टाइप भी है कि अगर हमारे पास ये शेप जो है, अगर हमारे पास सिंगल स्फीयर में है तो मोनोकोकस होगा, अगर दो स्फीयर एक साथ है तो डिप्लोकोकस होगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, हमने पढ़ा कि ये यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, लेकिन कई बार जो है क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है या तो ये सिंगली भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिंगल सेल भी प्रेजेंट होगा, मल्टी सेलुलर नहीं होते, सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। अगर ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर वैसे ही होगा, अगर ये बहुत सारे इस तरह से इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, तो क्लोनीज बना के रहते हैं ये, ठीक है। तो ये क्लोनी की फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो क्लोनीज होती हैं ये आपकी जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर या तो टेम्परेरी होंगी या फिर ये परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है,
ये जो कॉलोनीज होती हैं ये आपके पास टेम्परेरी भी हो सकती हैं और ये परमानेंट भी हो सकती हैं। मोस्टली ये सिंगल रहते हैं। अगर ये बहुत सारे इकट्ठे रहेंगे तो कॉलोनी बना के रहेंगे जो कि परमानेंट या टेम्परेरी हो सकती है। ठीक है, तो अब शेप के बारे में नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि शेप जो है, जैसे हमने कहा कि स्पेयर शेप्ड भी होता है, रोड शेप्ड भी होता है, कोमा शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। ठीक है, तो उनकी आगे एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि अगर सिंगल होगा तो मोनोकोकस होगा, अगर दो हमारे पास स्पेयर होंगे तो डिप्लोकोकस होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, अभी हमने शेप पढ़ी थी, स्फीयर शेप्ड भी होती है, रोड शेप्ड भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो शेप है इसकी स्फीयर शेप। ठीक है, तो स्फीयर शेप को क्या बोलते हैं, कोकाई कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास सिंगल स्फीयर में जो है वो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक वो जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो मोनोकोकस होगा। मोनोकोकस का एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोकोकस रोजियस। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हमारे पास दो स्पेयर इस तरह से अटैच है। ठीक है, तो ये डिप्लोकोकस कहलाएगा, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, और उसके बाद है अगर हमारे पास इस तरह से जो है वो बैक्टीरिया फोर स्पेयर के अंदर जो है आपस में प्रेजेंट है तो हम उसे टेट्राकोकस कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल है नाइजीरिया गोनेरिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगर इस तरह से लॉन्ग चेन है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजी। ठीक है, उसके बाद आता है सिफेलोकोकस, जिसमें हमारे पास सिफेलोकोकस और यसस है। ठीक है, और सार्सिना जो है, जैसे हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप होती है ना, तो एट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एट स्फीयर इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि वो क्या बनाएंगे, इस तरह से थ्री डी डायमेंशन में अगर हम देखें ना, तो वो हमारे पास जैसे एक जैसे ये क्यूब बनती है ना, इस तरह से एट स्फीयर जो होंगे वो इस तरह से अरेंज रहेंगे। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम फेस क्यूबिक, सेंटर क्यूबिक, तो उसमें एट स्फीयर को अगर हम ऐड करें तो सार्सिना स्ट्रक्चर बनती है, एट सेल क्यूबॉइडल मास होगा। इसका एग्जांपल है हमारे पास सार्सिना ल्यूटिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, और शेप कैसी है यहाँ पे, स्पेयर शेप्ड है, उसे हम कोकाई कहते हैं। तो जो लास्ट में है देखो, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, तो कोकस वर्ड जो है इसके अंदर जो है वो एड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे रोड शेप। रोड शेप्ड के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज बेसिलस। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रोड शेप्ड। रोड शेप जो होते हैं अभी हमने बोला बेसिलस उन्हें कहते हैं। तो हमारे पास अगर एक तरह से एक रोड, सिंगल रोड प्रेजेंट है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया इस तरह से प्रेजेंट है, तो हम उसे मोनोबैसिलस कहेंगे। मोनोबैसिलस के अंदर हमारे पास एग्जांपल है मोनोबैसिलस एंथ्रेसियस, और उसके बाद आता है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, जो बैक्टीरिया जो है कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, फिर है आपके पास पैलिसेड बैसिलस, ये है आपके पास कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, और उसके बाद है स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसकी जो आपके पास जो, मतलब इनकी शेप्स है उसकी डायग्राम में आपको आगे शो करती हूँ। स्ट्रेप्टोबैसिलस है, इसमें है आपके पास एग्जांपल बैसिलस सर्सियस और स्पाइरल, जो इस तरह से स्पाइरली अरेंज होते हैं बैक्टीरिया, उसमें आता है हमारे पास स्पाइरलम। इसमें दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है हमारे पास स्पाइरलम वोल्टेंस और ट्रेप्टोनीमा पेलिडियम और विब्रियो, जो हमारे पास कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है इस तरह से। ठीक है, तो विब्रियो में हमारे पास आता है विब्रियो कॉलोरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इनकी एग्जांपल। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्म, जिसके बाहर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि कोई भी इनवेल्प उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, उसके बाहर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ये तो हम बता रहे हैं ना कि यूजली हमारे पास जो स्पेयर शेप्ड होंगे, रोड शेप्ड होंगे, स्पाइरलम होंगे, कोमा शेप्ड होंगे, लेकिन कुछ जो है वो अपनी जो कुछ लाइफ साइकिल के दौरान कुछ अपनी जो है वो शेप को चेंज करते हैं। तो बच्चे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। फोर हमने डिफरेंट शेप पढ़ी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपनी जो शेप को है वो चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम प्लीरोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, मॉर्फिक मतलब जो अपनी फॉर्म को चेंज कर पा रहे हैं। सम बैक्टीरिया अज्यूम करते हैं डिफरेंट फॉर्म इन देयर लाइफ साइकिल एंड दीज आर नोन एज प्लीरोमॉर्फिक।
ठीक है, प्लियोमॉर्फिक हम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास बेसिलस रेडिसिकोला और माइकोप्लाज्म और साथ में है कोको बेसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो अपनी फॉर्म को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारे पास कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो चलिए बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक जो टिपिकल हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, यूजली उसके अंदर जो है दो या तीन जो है आपके पास इनवॉल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट होगा एक इस तरह से स्लाइमी लेयर होती है। ठीक है, एक स्लाइम लेयर होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिस ये जो है कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, कुछ में ये जो है वो अब्सेंट रहती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो है दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है हमारी सेल वॉल। ओके, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल, सेम वैसे ही इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड आफ्टर दैट जो है इसके बाद थर्ड लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हम इसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, स्लाइम लेयर होती है ये, और जो हमारे पास मिडल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरह की जो इसकी स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट रहती है। ये जो ग्रीन देख रही है ये आपके पास स्लाइम लेयर है, आफ्टर दैट जो सेल वॉल है। ठीक है, बीच में इसके जो है वो फ्लूइड भरा रहता है और ये जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है कि जो हमारे पास ये सेल वॉल है इससे क्या है कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अराइज करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पिलाई कहते हैं। ठीक है, सेक्स पिलाई भी इसे कहते हैं, कंजुगेशन में ये हेल्प करती है। ठीक है, और इस तरह से जो है अंदर से जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर से इस तरह से जो है ये बेसल बॉडी रहेगी आफ्टर दैट हुक, और ये फ्लैजिला अराइज करता है। ठीक है, इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। और एक जो और स्ट्रक्चर इसमें से अराइज करती है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, कुछ में नहीं होते हैं, जिसे हम फिम्ब्रिए कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्रिए कहते हैं इसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि अगर हम, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, कई बार जो है अंदर को इन्वेजिनेशन शो करती है, मतलब धस जाती है अंदर को। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को जो अंदर को धसी हुई स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। और ये मीजोजोम क्या करती है, जैसे कि हमारा एक यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन ऑर्गन है। ठीक है, कि ऑर्गेनेली है सॉरी, तो वहां पे वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करवाता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस मीजोजोम के अंदर, ऐसा नहीं है कि बाकी में नहीं होती, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास भी होते हैं, लेकिन ये जो है मेन इसका काम है कि रेस्पिरेशन करवाना। तो अगर हम कहें कि मीजोजोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है तो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करिए, यहाँ पे ये भी जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एनालॉगस किस लिए है, क्योंकि मीजोजोम जो है और जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है, दैट्स व्हाई हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा इसके पास जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो आता है कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो इस तरह से नेक्ड है। ठीक है, नेक्ड डीएनए किसे कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं हम इसे। ठीक है, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। मोस्टली जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती है वो सारी की सारी क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर, तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि ये प्रो न्यूक्लियस है।
ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोन मतलब कि न्यूक्लियस से पहले वाली स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस है कि मतलब न्यूक्लियस तो नहीं है, मतलब जो उसका मटेरियल है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा सिंपली इसका क्या कहलाएगा कि ये हमारे पास इसका डीएनए है जो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और कैसा है, नेक है, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ओके। और ये जो है बाकी इसका साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो इस तरह से, ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम। अगर हम इसके सब यूनिट की बात करें तो जो हमारे पास 70S राइबोसोम है वो किससे मिलके बना हुआ है, 50S प्लस 30S सब यूनिट से मिलके बना है। ये सेडिमेंटरी यूनिट्स होते हैं इसके, इनको प्लस नहीं करना है आपने, ठीक है। तो 70S राइबोसोम्स इसमें होते हैं और कई बार क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ना, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, यहाँ पे जैसे ट्रांसलेशन के टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो जो बहुत सारे राइबोसोम्स है ना वो इस तरह से मैसेंजर आरएनए के जो स्ट्रैंड है ना ये उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं, पॉलीसोम्स या फिर आप इन्हें पॉलीराइबोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से फैट ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, इंक्लूजन बॉडी हम इसे कहते हैं, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी, डिफरेंट टाइप्स की इंक्लूजन बॉडी होती है, आगे हम इसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी होती है, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के भी ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं और फैट के ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूजन बॉडी है, फिमरी हो गया, पिलिया हो गया, ठीक है, और बचा तो नहीं कोई हमारे पास इसमें, हाँ इसमें जो है कई बार क्या होता है, ट्रांस आरएनए के इस तरह से स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए का स्टैंड है जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो आपके राइबोसोम से अटैच है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे जो है वो होता है, ठीक है। और इसके बाद हर एक जो हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बारी बारी से जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बाहर वाली लेयर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, हम इसके बारे में ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इसे कैप्सूल भी कहा जाता है अगर ये टफ हो, ठीक है, और ये लूज हो तो हम इसे स्लाइमी लेयर कहते हैं। तो जो स्लाइमी लेयर है मतलब वो कैसी होगी, चिपचिपी होगी और वो एडहेशन का काम करती है, ठीक है, और जो कैप्सूल होता है वो थोड़ा थिक होता है और उसमें क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा टफ होगी उसकी जो लेयर होगी और उस वजह से क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं। सेल एनवेलप की जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है हमारे पास, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। प्रोटीन कई बार जो होते हैं इसमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं। तो हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स है तो डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वो डिफरेंट है। तो किस तरह से होती है, दो तरह की होती है, अगर वो लूजली जो अरेंज्ड सेल है उसके अंदर, या फिर वो टाइटली है या फिर वो टफ है या थिक है, अगर वहां पे लूज शीट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये म्यूसिलेजनस कवरिंग बनाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो ये म्यूसिलेजनस कवरिंग जो है वो बनाती है, कहां,
आउटसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के पहले ये लेयर जो होगी वो प्रेजेंट होगी ग्लाइकोकैलिक्स, और कैसी होगी, अगर लूज शीथ है तो म्यूसिलेजिनस होगी, और किससे बनी होगी, म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बनी होगी। और इसमें क्या होगा कि ये थोड़ी स्लाइमी लेयर होगी, तो स्लाइमी क्या होती है कि हमारे पास चिपचिपी होगी, तो चिपचिपी जो होगी तो वो चिपकने का काम करेगी, तो ये हेल्प करती है एडहेशन, ठीक है। और दूसरा प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द केमिकल डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है कि जैसे कोई सेल है ना तो उसमें से फ्लूइड का बाहर निकल जाना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं, तो उससे ये जो है वो सेल को बचाती है। दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास जो दूसरी लेयर होगी वो टफ होगी और थोड़ी थिक होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल या फिर कैस्पिड कहते हैं। और ये जो दोनों लेयर है ना, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है, ओके। और मोस्टली जो ये हमारे पास होती है ई कोलाई के अंदर पाई जाती है, जो हमारे पास जो लूज शीट वाली जो स्लाइमी लेयर है, ओके। और कैप्सूल और कैस्पिड जो है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। अब देखिए, हमारे अंदर कोई बैक्टीरियल सेल चला जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसके लिए रिस्पोंड करेगा, लेकिन क्योंकि इसकी टफ और थिक वॉल है तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये अपने आप को वहां पे बचा लेता है, ओके। तो प्रोटेक्ट करता है ये जो कैप्सूल है, ये प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो हमारे अंदर मतलब किसी की होस्ट के अंदर ये अगर घुस जाए, ठीक है। और दूसरा करता है, रेजिस्ट करता है फेगोसाइटोसिस को, जैसे हमारे WBCs है तो वो उसको क्या करेंगे, इनल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टफ होने की वजह से क्या है, ये वहां पे बच जाते हैं और डिजीज कॉज कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोकैलिक्स के जो है फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन तो अभी हमने थोड़े से देख लिए कि जैसे स्लाइम लेयर है तो वो क्या करेगी, एडहेशन में वर्क करेगी, और दूसरा जो है अगर कैप्सूल है तो वो हार्ड है तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से उसको बचाएगा, और फेगोसाइटोसिस से उसको बचाएगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा उसको। सो हेल्प इन द अटैचमेंट, तो अटैचमेंट कहाँ करेगा, स्टिक टू द सर्फेस या सॉइल पार्टिकल पे, रॉक्स इन द स्ट्रीम या फिर होस्ट के साथ, ठीक है, वहां पे स्टिक करने में उसको ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ ली टू टाइप्स में होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि प्रोटेक्ट करता है सेल को अगेंस्ट दैट डेसिकेशन, तो डेसिकेशन हमने करा कि फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड है उसका बाहर आना, तो उससे वो उसे बचाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर जो है कोई असर नहीं होगा हमारे सेल के ऊपर, ठीक है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें अगर वायरस बैक्टीरिया कुछ भी है, बैक्टीरियल सेल है, तो उसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो उसको हार्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। वायरल अटैक से जो है ये बैक्टीरियल सेल को बचाएगा और होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी उसको बचा के रखेगा, ठीक है। नाउ जो सेकेंड है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स से जो इनर लेयर है जो मिडल में आती है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, आफ्टर दैट सेल वॉल है, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो जो मिडल वाली लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडो मतलब अमाइनो एसिड, ग्लाइकन मतलब शुगर, ठीक है, ग्लूकोज। तो ये हमारे पास कैसी होती है, रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है और सपोर्टिव होती है इन फंक्शन, ठीक है, सेल को एक प्रॉपर शेप देके रखती है सेल वॉल। और इसमें हमारे पास देखिए, नेक्स्ट जो सेल वॉल है ना वो हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया ये हमारे पास टू टाइप्स में हो जाती है, जो हमारे पास ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्टेनिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो हमारी सेल वॉल होती है वो मोनोलेयर्ड होती है, मतलब सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सेल वॉल रहेगी वो सिंगल लेयर होगी, और ये जो है वो म्यूरिन से बनी होगी, ठीक है, और ये हमारा म्यूरिन जो है वो 70-80% इसके अंदर रहेगा। जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेल वॉल होगी वो दो लेयर से बनी होगी, एक तो आपके पास जो आउटर वाली होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होगी, और इनर वाली सेम होगी, जैसे इसमें म्यूरिन प्रेजेंट है वही म्यूरिन इसके अंदर भी होगा, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो आपके पास 10-20% रहेगा, ओके। सो ये जो म्यूरिन जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन भी कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन जो ऊपर लिखा ना हमने, ये म्यूरिन जो है मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये हमारे पास ना एक जो है मतलब एक पॉलीमर है हमारे पास, जो एडवांस टाइप की शुगर्स होती हैं तो इसमें हमारे पास दो जो है वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास पॉलीमर्स कौन कौन से होंगे, देखिए हमारे पास हमारा सेल वॉल किसे कहते हैं, घर की दीवार, ठीक है, दीवार के बाहर एक कवरिंग थी कि हमने उसके ऊपर जो था पेंट वगैरह कर दिया, वो ग्लाइकोकैलिक्स होगी, ठीक है। अंदर की दीवार जो सीमेंट और पत्थर से बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं अपनी दीवारों के ऊपर, हमने दीवार बनाई क्यों है घर की, एक तो पहले कि हमारे जो घर के अंदर है
वो कीड़े मकोड़े ना घुस जाए, मतलब एक मान के चलते हैं जैसे कि सांप ना घुस जाए, तो सांप, सांप को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नाग, ठीक है। और दूसरा जो है घरों के बाहर जो सेल वॉल है उसके बाहर हम क्या करते हैं, हम अपने नाम की प्लेट लगाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से याद रखना है नाग और नाम, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइड और एन एसिटाइल हमारे पास न्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो ये दो है, इनको आगे जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट है जिसे हम म्यूरिन कह रहे हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी हुई है, और आउटर जो थी वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी थी, और ग्लाइकोप्रोटीन और जो म्यूरिन है ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें हमारे पास मोनोलेयर यानी सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो जो म्यूरिन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन है ये जो है ये फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड पॉलीमर्स ऑफ मॉडिफाइड शुगर, इसमें दो प्रेजेंट है नाग और नाम, ठीक है। तो नाम जो नाग जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और जो है नाम ये है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड है बाय द बीटा 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज और टेट्रापेप्टाइड के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो सेल वॉल जो है, ठीक है, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की हम बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन्स जो है, ठीक है, जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इस पे होगा डापा, DAPA, ठीक है, डाई अमाइनो, यहां लिख देती हूँ, अमाइनो पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उस पे टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पे होगा टिकोइक एसिड, और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उस पे डापा प्रेजेंट होगा, डाई अमीनो पाल्मिटिक एसिड, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जैसे कि पेंसिलिन हो गया हमारे पास, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन होगी, तो ये क्या करते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकन है जिसे हम यूरिन कह रहे हैं उस लेयर को बनने से रोकते हैं, यानी कि हम जो है इसको यूज करते हैं एज कि जो हमारे पास बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर हो जाए तो उससे ये हमें बचाती है। तो वहां पे ये क्या काम करती है कि जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है उसकी फॉर्मेशन होने से रोकती है, ठीक है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल से इसकी फॉर्मेशन ही नहीं होने देंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारे पास लाइजोजाइम है जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, नेजल सेक्रीशन, और जो टीयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को, ओके। अब फंक्शन क्या है सेल वॉल का इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहला तो ये क्या करती है सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, फिर उसको क्या करेगी रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी, तो प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और आफ्टर दैट की प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम द बरप्सिंग यानी कि उसको फटने से या फिर उसको कोलैप्स होने से वो क्या करेगी उसको बचा के रखेगी, ओके। नेक्स्ट अब है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, आफ्टर सेल वॉल जो लेयर आती है वो हमारे पास कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर है हमारी ये सेल इनवॉल्व, ठीक है, और जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है वैसे ही ये भी जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी है, यानी कि लाइपोप्रोटीनियस है, और कैसी है, थ्री लेयर्ड है यानी कि ट्राइलेमिनियर है, ओके। और दूसरी बात कि इसके अंदर अब देखिए जैसे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसमें जो है जो रेस्पिरेटरी जो है वो पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा में जो बैक्टीरियल सेल है ना जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे फॉर द रेस्पिरेशन, और दूसरी बात एटीपी जो अपरेटस होता है, एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहां पे हो रही है, और लेकिन ये जो है सिंगल सेल है हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन यानी एटीपी की सिंथेसिस ये करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि जो हमारे पास
एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके बीच में जो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल है, ठीक है, हर किसी को नहीं जाने देगी, कुछ मटेरियल को जाने देगी, तो जो स्पेसिफिक मटेरियल का एक्सचेंज करवाना है बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्म के बीच में, वो कौन करवाएगा बच्चे, वो करवाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसने रिस्पोंड भी तो करना है, ठीक है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिटेक्ट करेगा फिर रिस्पोंड करेगा केमिकल्स के लिए, तो इसके ऊपर क्या है, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं इसमें डिटेक्ट करने में और रिस्पोंड करने में टुवर्ड द केमिकल, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं वो स्टीरोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब्सेंट होते हैं, लैक स्टीरोल, ठीक है, लाइक द कोलेस्ट्रॉल, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है उसके अंदर पेंटासाइक्लिक स्टीरोल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये पेंटासाइक्लिक स्टीरोल मॉलिक्यूल होगा उसे हम होपेनॉइड्स कहेंगे। और ये होपेनॉइड्स क्या करता है, ये जो होपेनॉइड्स हैं यहाँ लिख रही हूं मैं, ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करेगा, ओके। तो बच्चे जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो हमने कहा था कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी कि जैसे ये सिंपल नहीं होती यूकैरियोट्स के जैसे, इसमें क्या होता है, इस तरह से मॉडिफिकेशंस हो जाती है, अंदर को घस जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो मॉडिफिकेशन जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आती है हमारे पास मीजोसोम्स, ठीक है, मीजोसोम्स जो है वो हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह से भी धसी हो सकती है, वेसिकल टाइप वेसिकल्स बना लेती है, ठीक है, या तो फिर क्या होगा, इस तरह से लैमिले की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, लैमिला फॉर्म में होगी, या फिर जो है इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, तो टिब्यूल्स बना लेगी, ठीक है। तो इस तरह से इमेजिनेशन जो है वो मीजोसोम्स की होती है। ये जो मीजोसोम्स होती है इनके पास क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि जो मीजोसोम्स है और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक सेल का, ये कैसे हैं बच्चों, ये हैं एनालॉगस, ठीक है, क्योंकि इनका जो है वो फंक्शन सेम है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा जो मीजोसोम्स है ये हेल्प करते हैं हेल्पिंग सेल वॉल की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। और जब एक बैक्टीरियल सेल जो है, देखिए ये हमारे पास एक सेल है, जब इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होगी तो डुप्लीकेशन जो हो रहा है डीएनए का, और उसमें जो है जो सेपरेशन होती है, यानी कि हमारे पास जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और उसका सेपरेशन कब हो रहा है, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये मीजोसोम्स इसमें भी हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर उनकी सेपरेशन करवाना, ठीक है, सेपरेशन मतलब कि जो हमारे पास जो डॉटर जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर जो है वो मटेरियल को, इस डीएनए को जो ये बना है उसको क्या करना है, उसको भेजना है, ठीक है, सेपरेट करके उसको जो है इक्वल पार्ट में है दोनों सेल्स के अंदर जो है डिवाइड करके भेजना है, तो ये काम कौन कर रहा है, मीजोसोम्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। दूसरा देखिए कि ये जो है इन्वेजिनेशन है, अंदर को धसी हुई है, तो ये क्या कर रही है, इस तरह से अगर हमारे पास हैगी तो ये क्या करेगी, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, ठीक है, सरफेस एरिया को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास कि जैसे कि गोल्जी अपरेटस है ना, वो क्या करता है, सेल की सिक्रीशन करवाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो वैसे ही मीजोसोम्स जो होते हैं ये क्या करवाते हैं, सेलुलर सिक्रीशन करवाते हैं, सेलुलर सेक्रीशन करवाते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि गोल्जी अपरेटस कहां करवा रहा है हमारा, वो करवा रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये जो मीजोसोम्स है ना, ये एक करैक्टरिस्टिक फीचर है हमारा, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, और इसमें क्या है कि हमारे पास ये हमेशा जो है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये उसी के अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है, ये कहां पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक वैसिलस पिलिस, ठीक है, ये हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। तो नेक्स्ट जो इसकी मॉडिफिकेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।